हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 19 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। ये हमारी वीडियोस पेंडिंग रह गई थी, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 31 मई के पहले जितनी भी पेंडिंग वीडियोस हैं वो सारी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि आपका करंट अफेयर्स का कोई भी फैक्ट ना छूटने पाए। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो फोर्थ ट्रेंच घोषित किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, आपको बताना है उसमें डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटेड रूट से FDI की कितनी परमिशन दी गई। तो डिफेंस सेक्टर में अब FDI 74% तक ऑटोमेटिक रूट से आ सकती है, पहले ये 49% थी। तो डिफेंस सेक्टर में कोई बंदा अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो पहले ये लिमिट 49% थी, जिसे अब बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। यानी 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अब गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रूट से ये इन्वेस्ट किया सकती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के फोर्थ ट्रेंच की घोषणा की। बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो 12 मई को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस अभियान की घोषणा की थी। टोटल 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो कि हमारे इंडियन जीडीपी का लगभग 10% होता है। ये 20 लाख करोड़ हमारे इंडियन जीडीपी का लगभग 10% होता है, और इस बार के बजट का जो फाइनेंशियल 2021 का बजट है उसका लगभग ये 66% यानी 2/3 होता है। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे। और रिसेंटली डिफेंस सेक्टर में FDI को ऑटोमेटिक रूट से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, जो पहले 49% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए डॉट पे के साथ कितने पार्टनरशिप की है। तो रिसेंटली NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए डॉट पे के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए, अब जो जितने भी इंडिया के रेस्टोरेंट्स हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए जो फूड डिलीवरी ऐप्स होते हैं उन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जैसे जोमेटो और स्विगी के ऐप्स हैं उन पर डिपेंड रहना पड़ता था हमारे रेस्टोरेंट्स को। अब इन्होंने डॉट पेड से पार्टनरशिप कर ली है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके तहत सारे ऑल ओवर इंडिया के रेस्टोरेंट्स पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। बात करें NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये वॉइस है इंडियन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की। आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये सारे रेस्टोरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आप याद रखिएगा। अनुराग कटारिया जी जो है इसके प्रेसिडेंट हैं, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है NRAI का। हालांकि ये सब तो नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये पूछेंगे कि डॉट पे के साथ डिजिटल पेमेंट के लिए किसने समझौता किया है, तो NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हमारा, रिसेंटली COVID-19 क्राइसिस के दौरान 2 मोबाइल इंडोर डिसइन्फेक्शन स्प्रेयर यूनिट किसने डेवलप किए हैं। तो रिसेंटली CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 2 मोबाइल इंडोर डिसइन्फेक्शन स्प्रेयर यूनिट डेवलप किए हैं। यहाँ पे मोबाइल में हैंड हेल्ड डिवाइस यानी सेलफोन की बात नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिसइन्फेक्शन स्प्रे यूनिट हैं जिनको हम इंडोर डिसइन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं कोरोना वायरस के दौरान। इनको डेवलप किया है CSIR, एक्चुअली दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में CSIR की एक लैब है जिसका नाम है CMEIRI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CSIR की लैब है, इसने 2 मोबाइल इंडोर डिसइन्फेक्शन स्प्रेयर यूनिट डेवलप किए हैं जो इंडोर डिसइन्फेक्शन के काम में आएंगे COVID-19 के कारण। बता दूं CSIR की अगर बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। 1942 उसी दौरान इंडिया में क्रिप्स मिशन आया था, आपको याद ही होगा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। और बात याद रखिएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट का अनाउंसमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942 को। किसने अनाउंसमेंट किया था, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो के नारे के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किया था। कहाँ से, मुंबई के गोवालिया टैंक चौक मैदान से, आप देखिएगा। तो उसी 1942 में CSIR की भी स्थापना हुई थी, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप देखिएगा। वर्तमान में डायरेक्टर कौन है CSIR के, तो शेखर सी मांडे CSIR के डायरेक्टर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है CSIR का, तो CSIR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। रिसेंटली CSIR की एक लैब CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, उसने 2 मोबाइल इंडोर डिसइन्फेक्शन स्प्रेयर यूनिट डेवलप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए NMIS पोर्टल किसने लॉन्च किया है। NMIS मतलब नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया गया है NDMA के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने माइग्रेंट वर्कर्स प्रवासी श्रमिकों के लिए NMIS पोर्टल लॉन्च किया है। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन सभी की सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में काम करेगा आपका NMIS पोर्टल। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि कौन से माइग्रेंट वर्कर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स किस स्टेट को जाते हैं, ये सब कुछ पता चल जाएगा। और साथ ही साथ
जो COVID-19 की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फैसिलिटी है उसका भी यूज़ किया जा सकता है NMIS पोर्टल को यूज़ करके, कि ये माइग्रेंट वर्कर्स किसके किसके टच में रहे। तो आप देखिएगा NMIS पोर्टल यानी नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल को NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया है। बात करते हैं NDMA की। देखिए NDMA एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत NDMA की स्थापना हुई थी और इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जैसे CSIR के प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे NDMA के चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये आती किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन अम्फान मोस्ट डेंजरस साइक्लोन है पिछले 21 वर्षों का। आपको बताना है अम्फान नाम किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। रिसेंटली साइक्लोन अम्फान हमारे पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आया और सबसे ज़्यादा नुकसान किया इसने पश्चिम बंगाल को। इसके अलावा थोड़ा बहुत नुकसान उड़ीसा को भी किया लेकिन ज़्यादातर नुकसान इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया। लगभग 90 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई अम्फान तूफान के कारण। आपको बताना है अम्फान तूफान नाम किसने दिया, तो अम्फान का नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा, आप याद रखिएगा। और इस अम्फान का शाब्दिक मीनिंग क्या होता है, ओरिजिनल मीनिंग होता है इसका स्काई यानी आकाश, तो आप ये याद रखिएगा। अम्फान तूफान की बात करें तो देखिए 2004 में IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने टोटल 64 नेम सजेस्ट किए थे, उसमें लास्ट नेम था आपका अम्फान तूफान। रिसेंटली फरवरी मंथ में यानी फरवरी 2020 में हमारे IMD ने और 169 नेम सजेस्ट किए हैं तूफानों के लिए। IMD 13 कंट्रीज़ के लिए तूफानों का नाम सजेस्ट करता है और ये 169 जो है नेम सजेस्ट किए गए हैं, प्रत्येक 13 कंट्री पर 13 नेम आएंगे। तो इस बार जो अम्फान तूफान है उसका नाम किसने दिया, थाईलैंड ने दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका स्काई, आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं IMD जो ये नाम देने की प्रथा है इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में IMD देता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आपको याद होगा कुछ दिन पहले IMD ने गिलगित बाल्टिस्तान रीजन के लिए वेदर फोरकास्टिंग भी अनाउंस की थी। IMD की स्थापना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इस समय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत IMD आता है और वर्तमान में इसके DG यानी डायरेक्टर जनरल कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं आपको जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है प्रत्येक वर्ष 18 मई को ये ऑब्जर्व करती है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे। इस बार का थीम क्या था इंटरनेशनल म्यूजियम डे का, तो म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये था थीम इस बार का। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल म्यूजियम डे 1977 में ऑब्जर्व किया गया था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बात करें अगर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी आईकॉम की तो आप याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक NGO के तौर पर कार्य करता है। हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का कहाँ है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारी निर्मला सीतारमण जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक PM ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च किया है ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो आप इतना याद रखेंगे टोटल 100 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया गया है। ये 100 यूनिवर्सिटीज़ जो है मिलकर PM ई विद्या प्रोग्राम रन करेंगी। इस प्रोग्राम में होगा क्या, देखिए क्लास फर्स्ट टू क्लास 12 तक के हर क्लास के लिए एक चैनल डेडिकेटेड होगा जो डायरेक्ट टू होम जो आता है DTH उस पर फ्रीली अवेलेबल होगा। वहाँ पर कक्षा एक से लेके यानी क्लास वन से लेके क्लास 12 तक के बच्चे जाके उनसे रिलेटेड एजुकेशन ले सकते हैं। तो PM ई विद्या प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया है ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। ये जो है फिफ्थ ट्रेंच में लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान की। और फिफ्थ ट्रेंच में और क्या लॉन्च किया गया है मैं बता दूं आपको, जो MG नरेगा यानी मनरेगा है उसके लिए 40,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के फिफ्थ ट्रांच में। इस बार के बजट में कितना अनाउंस किया गया था, तो 61,500 करोड़ की घोषणा की गई थी इस बार के बजट में, जो लास्ट ईयर के बजट से 9,500 करोड़ कम थे। तो अब जो है 40,000 करोड़ की और घोषणा हो गई है। तो इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी एक वर्ष में लार्जेस्ट अलॉटमेंट हो गया है मनरेगा के लिए। लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये सिर्फ 1,00,000 करोड़ रुपये सिर्फ मनरेगा के लिए अलॉटमेंट हो गया है, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा फिफ्थ ट्रांच जो अनाउंस की गई निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की, उसमें कहा गया कि राज्य अपने GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 5% लोन और ले सकते हैं। पहले ये लिमिट 3% थी, तो राज्यों को उनके GSDP की लोन लिमिट को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। यानी अब राजकोषीय घाटा राज्यों का 5% तक जा सकता है जो पहले
3% लिमिट थी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वें ट्रेंच में निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा कर दी है कि राज्य अपने टोटल GSDP का 3% से बढ़ाकर 5% तक लोन ले सकते हैं। पहले 3% ये लिमिट थी, आप याद रखिएगा। तो इससे क्या होगा, स्टेट अब 4.28 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लोन ले पाएंगे। ये सारे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा। तो मैंने बता दिया आपको पीएम ई विद्या प्रोग्राम, मनरेगा के तहत कितना अलॉटमेंट हुआ है, टोटल कितना मनरेगा को अलॉटमेंट हो गया है, बजट में कितना अनाउंस हुआ था और लास्ट ईयर कितना अनाउंस हुआ था, उससे कितना अंतर है इस बार के बजट में, मैंने आपको सब बता दिया। और पीएम ई विद्या प्रोग्राम के साथ आप याद रखिएगा एक मनोदर्पण इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया। क्यों, जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, उनकी फैमिलीज हैं इस समय बहुत बड़े मेंटल और इमोशनल प्रेशर से गुजर रहे हैं, तो उन सभी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन काजमपुर अरदेबली, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस कंट्री के फेमस डिप्लोमेट थे, ये ईरान के फेमस डिप्लोमेट थे आपके हुसैन काजमपुर अरदेबली, और कहाँ अपॉइंट थे, ओपेक, ओपेक में ईरान की तरफ से अपॉइंट थे। ओपेक क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में है, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। जितनी भी पेट्रोल उत्पादन करने वाली कंट्रीज़ हैं मोस्टली इसका मेंबर हैं। मैं बता दूं आपको, हुसैन काजमपुर अरदेबली का निधन हो गया, ईरान से बिलोंग करते हैं। अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने रिसेंटली अपनी करेंसी को चेंज किया है, पहले इनकी करेंसी थी रियाल, उसको बदल के इन्होंने कर दिया है तोमान, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो आप याद रखिएगा। और इनकी जो वर्तमान करेंसी की वैल्यू है वो कितनी है, तो 1 तोमान इक्वल टू 10,000 रियाल। तो ये भी कह सकते हैं कि किस कंट्री ने अपनी ओरिजिनल करेंसी से किस कंट्री ने अपनी ओरिजिनल करेंसी से 4 जीरो हटा दिए हैं, तो ईरान ने अपनी ओरिजिनल करेंसी से 4 जीरो हटा दिए हैं, तो इस तरह से इसकी तोमान करेंसी होगी। आप देखिएगा, ईरान को पर्शिया भी कहते थे पूर्व में, आपको याद ही होगा। इसकी कैपिटल क्या है, तेहरान है। प्रेसिडेंट कौन है, हसन रूहानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन इसके सुप्रीम लीडर का नाम बहुत पूछा जाता है, अली खामनेई इसके सुप्रीम लीडर हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है वुहान डायरी जो कि एक फेमस बुक है के राइटर का नाम क्या है, तो फैंग फैंग एक चाइनीज फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने वुहान डायरी, जिसका पूरा नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये बुक लिखी है। इंडिया में ये बुक ई बुक के रूप में लॉन्च हो गई है, इसलिए चर्चा में है। तो इसको फैंग फैंग नाम की एक महिला ने लिखा है, आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि माइकल बेरी इसको ट्रांसलेट करेंगे, ऐसी उम्मीद है कि 15 लैंग्वेज में ये बुक ट्रांसलेट की जाएगी। इसमें बताया गया है कि क्वारंटाइन रहते हुए भी वुहान से कोरोना वायरस पूरे विश्व में कैसे फैला, तो ये आप याद रखिएगा, फैंग फैंग ने वुहान डायरी नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है फेमस राइटर रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया रिसेंटली कोरोना वायरस के कारण, ये किस स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, फेमस मराठी राइटर थे आपके रत्नाकर मतकरी जी। ये देखिए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, पीपल्स प्रेसिडेंट इनको कहते हैं, अब्दुल कलाम जी, ये इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दे रहे हैं रत्नाकर मतकरी जी को। COVID-19 से इनका निधन हो गया, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने चरण पादुका कैंपेन लॉन्च किया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चरण पादुका कैंपेन लॉन्च किया गया है एमपी में। एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च नहीं किया है अगर कहा जाए तो, क्योंकि एमपी जो इंदौर में एक पुलिस स्टेशन है उसने लॉन्च किया है चरण पादुका कैंपेन। इसमें क्या था, जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों को वापस जा रहे हैं, नंगे पैर वापस जा रहे हैं, उनके पास स्लीपर्स नहीं है, शूज़ नहीं है, तो उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने के लिए एमपी में इंदौर में एक पुलिस स्टेशन है उसने स्टार्ट की थी चरण पादुका कैंपेन। राव करके पुलिस स्टेशन है, RAU राव करके पुलिस स्टेशन है, उसने स्टार्ट की थी। बाद में धीरे धीरे ऑल ओवर एमपी में ये कैंपेन फैल गई। तो चरण पादुका कैंपेन एमपी की पहल है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। बात करें अगर एमपी की, तो सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है लालजी टंडन, आप याद रखिएगा। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी की बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे नामीबिया से दो चीते लाए जा रहे हैं। इंडिया से चीता विलुप्त हो चुका है, इसलिए चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लॉन्च किया जा रहा है, जो एमपी में स्थित है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क बहुत फेमस है, जो कि महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है। और पन्ना टाइगर रिजर्व इसलिए फेमस है क्योंकि बुंदेलखंड रीजन में है, एमपी और यूपी के बॉर्डर पे। एमपी में टोटल 230 विधानसभा सीट्स हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे सीटों के बंटवारे के कारण बवाल हुआ था। जय तु भारतम ये एक सॉन्ग गाया गया, आपको बताना है कितने सिंगर्स ने ये सॉन्ग गाया है। रिसेंटली 211 सिंगर्स ने मिलकर जय तु भारतम सॉन्ग लाया बनाया है, यानी गाया है। इसको कंपोज किसने किया, तो शंकर महादेवन ने इस सॉन्ग को कंपोज किया है, और लिरिक्स प्रोवाइड किया है आपके प्रसून जोशी जी, आप याद रखिएगा। इसरा यानी इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन, इन्होंने मिलके ये गाना बनाया है।
ये जो इंडियन सिंगर्स राइट एसोसिएशन है इसमें इंडिया के सारे सिंगर्स शामिल हैं और ये गाना समर्पित किया है जयतु जयतु भारतम किसको, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आत्मनिर्भर अभियान को समर्पित किया गया है, जयतु जयतु भारम भारतम सॉन्ग। आप याद रखिएगा 211 गायकों ने मिलकर इसको गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान विश्व का पहला स्पोर्ट इवेंट बंडेसलीगा ऑर्गेनाइज हुआ है किस कंट्री में, तो रिसेंटली बंडेसलीगा को जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जर्मनी की प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान जहां सारे स्पोर्ट इवेंट कैंसिल कर दिए गए थे, इस दौरान पहला स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम है बंडेसलीगा और ये एक फुटबॉल गेम है। अंतर ये था कि इस दौरान जो है दर्शक अवेलेबल नहीं थे स्टेडियम में, सिर्फ प्लेयर्स अवेलेबल थे। तो आप याद रखेंगे बंडेसलीगा फुटबॉल लीग जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुई। अगर जर्मनी की बात करें तो कैपिटल क्या है, बर्लिन, जो स्प्री नदी के तट पर है, SPREE, स्प्री नदी के तट पर है आपकी बर्लिन कैपिटल। और जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो। इसके अलावा चांसलर कौन है जर्मनी की, तो एंजेला मर्कल यहाँ की चांसलर हैं। तो बंडेसलीगा फुटबॉल लीग जर्मनी में ऑर्गेनाइज हुई, विश्व का पहला स्पोर्ट इवेंट है जो कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ऑर्गेनाइज हुआ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कोविड-19 के सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए WHO में कितनी कंट्रीज़ ने एक रिजोल्यूशन पास किया है। रिसेंटली 62 कंट्रीज़ ने WHO में एक रिजोल्यूशन पास किया है ताकि कोविड-19 का ओरिजिन कैसे हुआ इस विषय में जाना जा सके। देखिए इंडिया ने भी इस रिजोल्यूशन में सपोर्ट किया है। और ये रेजोल्यूशन लाया कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया ने WHO में इस रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया था। आप याद रखिएगा, देखिए जो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से 3 ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। किस 3 ने, तो फ्रांस ने, रसिया ने और UK ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। हालांकि USA ने और चाइना ने इस रेजोल्यूशन का अपोर्ट किया। ऐसी दबी अफवाह है कि जो कोरोना वायरस वुहान लैब में डेवलप किया गया उसकी फंडिंग USA कर रहा था, इसलिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि USA ने इस रिजोल्यूशन को अपोज किया। तो आप याद रखिएगा रिसेंटली WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बैठक होने वाली है उसके लिए 62 कंट्रीज़ ने कोविड-19 सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसको ऑस्ट्रेलिया ने इनिशिएट किया था और इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडहेनम, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो टेड्रोस एडहेनम इथियोपिया के रहने वाले हैं। हालांकि WHO की डेप्यूटी डायरेक्टर बहुत फेमस है, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन जो कि इंडिया के चेन्नई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल अटलांटिका और KKR ने किस इंडियन कंपनी में रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, तो रिसेंटली जनरल अटलांटिका और KKR जो कि दोनों अमेरिकन फिनंशियल फर्म हैं, इन्होंने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है, जहां जनरल अटलांटिका ने 1.34% स्टेक परचेस किए हैं रिलायंस जियो के, वहीं आपके KKR ने 2.32% स्टेक परचेस किए हैं रिलायंस जियो के। तो इस तरह से जनरल अटलांटिका रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करने वाली 4th कंपनी बन गई है अमेरिका की और KKR 5th कंपनी बन गई है अमेरिका की। अभी तक टोटल 5 कंपनियां जो है रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। पहली कंपनी कौन थी, तो फेसबुक, जिसने 9.99% स्टेक खरीदे थे रिलायंस जियो के। उसके बाद सिल्वर लेक ने भी कुछ स्टेक खरीदे, उसके बाद विस्टा इक्विटी पार्टनर ने भी रिलायंस जियो के कुछ स्टेक खरीदे थे। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, अब तक 5 कंपनियां अमेरिका की रिलायंस जियो में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। बात करते हैं आपके जियो की, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, चेयरपर्सन इसके मुकेश अंबानी हैं और यही इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है किस स्टेट ने रिसेंटली 4 अन्य राज्यों के लोगों की एंट्री बैन कर दी है, तो रिसेंटली कर्नाटका ने 4 राज्यों से अपने यहाँ एंट्री बैन कर दी है। क्यों, इसका कहना है कि यहाँ के लोग कोरोना वायरस हमारे स्टेट में ला सकते हैं, इसलिए इसने 4 स्टेट के लोगों की एंट्री को अपने यहाँ बैन कर दिया है। ये 4 स्टेट कौन है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों से लोगों के आने पर बैन लगा दिया है कर्नाटक ने। तो आप याद रखिएगा कर्नाटक की बात करें तो CM कौन है, BS येदियुरप्पा, BJP से बिलोंग करते हैं। आप याद रखिएगा गवर्नर कौन है कर्नाटक के, तो वजू भाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक में भी सीटों के बंटवारे को लेकर जो है व्यवधान था, इसलिए आप याद रखिएगा कर्नाटक की स्टेट असेंबली में टोटल 224 सीट्स हैं। कर्नाटक का बेनरघट्टा नेशनल पार्क बहुत फेमस हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसने अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम लॉन्च की थी कुछ दिन पहले। लॉकडाउन के दौरान जानवरों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसने अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम लॉन्च की थी कर्नाटक के बेनरघट्टा नेशनल पार्क ने, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने पंजाब के लिए कितने लोन का अनाउंसमेंट किया है ताकि वो फार्मर्स को लिक्विडिटी प्रदान कर सके, तो रिसेंटली नाबार्ड ने 1500 करोड़ का लोन अनाउंस किया है पंजाब के लिए ताकि वो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सके। इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो फार्मर्स के पास
लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, यानी कैश क्रंच आ गया उनके पास। तो नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं पंजाब को ताकि फार्मर्स की ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो अब देखिएगा, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रिसेंटली इसके चेयरपर्सन चेंज हुए हैं। पहले हर्ष कुमार भानवाला जी नाबार्ड के चेयरपर्सन थे, अब कौन हो गए? गोविंदा राजलू चिंतला। अगर नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड एक्ट 1981 के द्वारा जुलाई 1982 में 100 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब कितनी है इसकी ऑथराइज कैपिटल? तो 30,000 करोड़ है नाबार्ड की ऑथराइज कैपिटल। पहले 5,000 करोड़ थी, रिसेंटली इसको बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दिया गया। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपये का लोन अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो आप याद रखिएगा, मैं बता दूँ आपको, जो ये बेनी गैंट्स हैं, इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी का सपोर्ट किया, तो इनको भी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री का पदभार दे दिया गया है। साथ ही साथ इनको अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी देखा जा रहा है, बेनी गैंट्स को। तो इसराइल के 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जो आप यहाँ देख रहे हैं तेल अवीव, जो मेडिटेरियन सी के पास एक सिटी है, वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है तेल अवीव यूनिवर्सिटी, उसके जस्ट अपोजिट जो रोड है उसका नाम बदल के रख दिया गया है टैगोर स्ट्रीट। देखिए, हिब्रू भाषा में स्ट्रीट को कहते हैं रेहोव, REHOV। तो टैगोर रेहोव नाम रख दिया गया है उस स्ट्रीट का। कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिल्ली के 3 मूर्ति चौक का नाम बदल के हाइफा चौक रख दिया था, तो उसी की तर्ज पे इसराइल ने अपने यहाँ एक स्ट्रीट का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट रख दिया है टैगोर जी के 159th बर्थडे वाले दिन। हालांकि मैं इसको आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा जो हमारी पेंडिंग रही है उसमें। तो आप देखिएगा, इसलिए टैगोर स्ट्रीट इसराइल में तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने जस्ट सामने वाली स्ट्रीट का नाम बदल के टैगोर स्ट्रीट रख दिया, तो आप याद रखेंगे। इसराइल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? यरूशलम इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? तो आप यहाँ देख लीजिए, रूवन रिवलिन इसराइल के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, और ये क्नेसेट, तो मैं आपको बता दूँ इसराइल की संसद का नाम है क्नेसेट, मैं बताना भूल गया, तो आप याद रखिएगा इसराइल की संसद का नाम है क्नेसेट। मिलते हैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।